आता है तो आप लोगों को बात नहीं करना है, ठीक है? ओके, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। ओ Sairam, and a very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, morning. Sairam. Okay. Today we are going to do Let's Write and the exercise of that lesson. Okay. The music, Mumbai musicians. The Mumbai musicians. So, page number open. Page 134. And page number 134. 134. Okay, you have opened. Yes, ma'am. Yes, yes. All of you can open your videos and do like this. Okay. Praise wala aap kar sakte hain, lekin usme jaake fir aap log karoge, fir time lagega. Sairam, ma'am. Sairam, Sairam. Okay. First question is, let's write. First question, do you play any musical instrument? Do you play any musical instrument? Saira, page 134. Nikalo, let's write. Page 134. Do you play any musical instrument? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, हारमोनियम, कैशियो, गिटार, सितार, फ्लूट ऐसा कुछ बजाने आता है? Yes, ma'am. अच्छा, आप उसका नाम लिखेंगे? Yes, I play. हाँ, सायराम. Yes, I play. आपको जो इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो उसको लिखो. Yes, I play. ये थोड़ा सा सुन के लिखने आना चाहिए. आप I play. Play का स्पेलिंग साइरम. जय महेश्वरी. 134 पेज निकालो. लेट्स राइट में आ जाओ. Do you play any musical instrument? Yes, I play dash. कुछ भी है आप लोगों को? ये बेल बजाने तो आता ही है ना? हैं? मजीरा बजाने आता है? आपको जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम? मैम, इंस्ट्रूमेंट के जो आगे यस और आई लिखा है ना, यस लिखा है ना? यस, हाँ उसी लाइन में लिखना है. यस आई प्ले लिखो. प्ले, पी एल ए वाई प्ले. और जो इंस्ट्रूमेंट आप बजाते प्ले लाइन में लिखना है. पूर्वाश, पेज 134 निकाला. मैम निकाल लिया. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है. Let's write के नीचे क्वेश्चन है. Do you play any musical instrument? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं क्या? Yes है तो yes I play. Play का स्पेलिंग ऊपर दिया हुआ. I play. कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? गिटार, ड्रम या तबला या हारमोनी, कुछ भी जो बजाने आता है, ठीक है? मैम
कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पीछे लिखे हैं। डफली तो आता ही होगा, फ्लूट बजाने बजाते ही होंगे बचपन से, है ना, कुछ तो बजाते हैं, है? तो इसमें से ऐसा ढूंढ के लिख सकते हैं। तबला तो नहीं होगा, ढोलक बजा सकते हैं, डफली बजाते होंगे बचपन से, ऐसे मम्मी लोग देते हैं ना कुछ गिफ्ट खरीद के, तो उसमें आता ही है, फ्लूट है। मेला जाते हैं तो वहां से सबसे पहले फ्लूट बजाते, फ्लूट लेके आते हैं ना, बजाओ बेटा बजाओ। कुछ कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देना, ठीक है? ऐसे लिखना है आई मेरे को। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम रखे रहो मैं देखती हूँ। प्रद्योत, मैम पेज नंबर मैंने लिख दिया, आई प्ले तबला। हाँ लिखो प्रद्योत, आप लिखो क्या लिखो। मैम पेज नंबर क्या है? 134। हाँ एक यस आई ओनली प्ले लिखना है, प्ले और अपना ना जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिखो, ठीक है मैम? बोलो कैसीओ की स्पेलिंग क्या होती है? CASIO CASIO ठीक है। किसी को स्पेलिंग पता करना है तो पूछ लो। मैम मेरे को नहीं मिल रहा है। नहीं 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 जय, तुम्हारी नई बुक है क्या बेटा? नई बुक है तो पेज नंबर अलग हो जाएगा, नया बुक में कुछ अलग पेज है, ठीक है? जिसका नया बुक है वो अपना इसको जय को बता दीजिए। मेरे पास तो ओल्ड बुक है, इसलिए ओल्ड बुक में पेज 134 है, आगे पीछे देखो ना जय। लेट्स राइट गो। हाँ पीछे जय, तुम थोड़ा सा ये करो ना, खोजो ना उसमें। लेट्स राइट आगे होगा या उसके बाद का होगा, क्योंकि कुछ पेजेस अभी छोटा कर दिए हैं इसीलिए 134 नहीं होगा। आप देखते ऐसे में पूरे टाइम निकाल लोगे आप लोग। लेट्स राइट ढूंढो, किसी का नया बुक है क्या? किसी का नया बुक है क्या? नया प्रिंटेड है क्या? तो उसका अलग पेज नंबर होगा। मेरे पास पूरा है मैम, मेरी नई बुक है। तो फिर उसका पेज नंबर क्या है बताओ, मैं वही तो बोल रही हूँ। 134 तो वही है, मैंने वही बताया 134, जो नया इसी साल कहीं पिछले साल जो प्रिंट हुआ है ना उसमें आगे होगा क्या? यूनिट 10 क्या? बेसिक 10 का सर आप पढ़ क्या रहे हो बेटा? यूनिट 8 लिखा है ना, यूनिट 8। Let's try. अच्छा मुंबई म्यूजियम्स के पीछे वाला एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट लेसन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सॉरी। इफ मैम आपका मालिक ऑफ है, मैम यूनिट 9 क्या? अच्छा एक मिनट बेटा, सारे बच्चे अपना माइक ऑन करो, सारे बच्चे अपना माइक ऑन करो, सारे जितने भी प्रेजेंट 19 माइक ऑन करो सारे बच्चे, और एक बार
एक साथ सायरा बोलिए। अरे सब माइक माइक ऑफ करो। तेरे को क्या प्रॉब्लम? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। मैं मैम से कहूंगा। क्या है ना, शांत हो जाओ। सारे बच्चों ने सायराम बोला ना? यस मैम। सायराम मैम। ओके ओके, आप नहीं बोलना। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न? ठीक है, which instrument do you want to learn? मतलब अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है तो आप क्या सीखना चाहोगे? मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, आप देखना, मैं पिन करके आपको बता रही हूँ, आप देखना क्या लिख रही हूँ। ठीक है, उसको लिख लेना। और नेक्स्ट वाला है वो मैं आपका, तो आप लोग एक मिनट, आप इस साइड में देखना क्या लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन आई वुड लिखा है, हम देख नहीं रहा, अभी दिखेगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब लिख रहा, दिख रहा है, आई दिख रहा है ना? नो मैम, मेरा बोर्ड दिख रहा है। I would actually go like to learn, L-E-A-R-N, learn, dash, आपको जो लर्न करना है वो लिखना। I would like to learn, मैंने I ऐसे मैम साइड ये वाला लिखना, I would like to learn dash, ठीक है? मैं साइड हो गई बेटा, लिखना। मैम लाइक की स्पेलिंग क्या है? ऊपर में ही है, L-I-K-E, like, क्या लिखा है ना, दिख रहा है आपको? L-I-K-E, like, साफ नहीं दिख रहा आपको। लाइक की स्पेलिंग आती है ना, लिखो यहाँ से, नहीं लिखना जरूरी नहीं, आपको मालूम होना चाहिए अभी। एल आई के छोटे छोटे स्पेलिंग है, अभी मैं और भी लिखाऊंगी तो फिर क्या करोगे, क्योंकि आप बोर्ड में सिर्फ लिखने आ जाना चाहिए। कुछ शुरू किया आपने?
आई वुड लाइक टू लर्न के आगे क्या लिखना है? आपको जो मन आ रहा है वो लिखो. आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, सीखना है, बजाने, ठीक है? मैं बुक में या नोटबुक में? आप बुक में लिखो ना, बुक में खोल बैठे तो बुक में लिखो, है ना? आई वुड लाइक टू मैम लिख लिया. लिख लिया ना, बस, वेरी गुड. अभी आप लिख लो जल्दी से. लर्न की स्पेलिंग एंड इट डी लर्न क्या है? हो गया. आई वुड लाइक टू लर्न डैश, ठीक है? आपको जो इंस्ट्रूमेंट सीखना है वो सीख लिखना, ठीक है? मैं मिटा रही हूँ, नेक्स्ट इसमें आते हैं. अब इसको अच्छे से लिखना, ठीक है? मैं जैसे अभी एक मिनट, एक कैमरा को और थोड़ा नीचे कर रही हूँ. लो अभी कैमरा, मैंने कैमरा बड़ा कर दिया है, आप लिखना फिर, ठीक है? नीचे आ जाओ. एट द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस. अब क्या करना है, जो ऑपोजिट जेंडर मीन्स जैसे लड़का लड़की, है ना, ऐसे ये जेंडर होता है. बिल्ली बिल्ला, है ना? तो लड़का लड़की, इसका मतलब है लड़का लड़की, जेंडर मीन्स लड़का या लड़की. ये आपको दिखाई दे रहा है कितना तक स्क्रीन दिखेगा, आप देखना लिखते जाना. फर्स्ट है फादर लिखना है. हाँ पहले सुन लो, नहीं तो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा. मदर लिखा है, ठीक है ना? तो मदर का ऑपोजिट क्या है? फादर, ठीक है? आप काम करना, 1 2 3 4 5 6 6 6 तक लिखो. नंबर एक करो, फर्स्ट क्या है देखो. 1 2 3 मैम सही से आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है. नहीं वो कटता है इसलिए कि मैं थोड़ा जोर करता हूँ. मैं थोड़ा खड़ी हूँ, ठीक है? अब आएगा, आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम. अभी आप लोग देखो हमारे क्वेश्चन में 6 है. 1 2 3 4 5 6 मदर फर्स्ट क्वेश्चन में. हाँ क्या बोलते मैं समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है. मैम आपका क्या? नहीं नहीं मेरा थोड़ा सा, ठीक है? मदर जहाँ लिखा है उस लाइन में फादर, ठीक
अंकल का आंटी होगा। चला मम्मा का कैमरा बंद है, मैं दिखाई नहीं दे रहा। आपका कैमरा ऑफ है, मैं बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मैं मुझे दिखाई दे रहा। तुम शांत हो जाओ, मैं बोला ना बात नहीं करना, नेटवर्क लॉस हो गया। मैम आंटी की स्पेलिंग क्या होती है? शांत बेटा, अभी ये ना नेटवर्क मैम चली गई। NUNT होता है आंटी। मैम आई एम गो टू द वॉशरूम। मैम लेफ्ट हो गई, मैं कहाँ चली गई? लेफ्ट हो गई मैम। अरे रिकॉर्डिंग तो चल रही है, पर मैम कहाँ गई? वो गई लेफ्ट में, वो लेफ्ट हो गई, रिकॉर्डिंग चालू करके ही छोड़ गई। अरे मैम कहाँ गई? लेफ्ट लेफ्ट हो गई, लेफ्ट हो गई। अब कोई नहीं बोलेगा। ओजस, हाँ ओके बाय। मैं काट दूँ? हाँ काट काट दे। इसे जाइए। उधर लाइन का अपोजिट क्या होता है? हाँ क्या? कुछ क्या? नहीं। लाइन का लाइन नहीं होता ना, लाइन नहीं, लाइन नहीं होता है। पता नहीं मुझे क्या होता है लाइन का अपोजिट। एकदम वो लाइन नहीं, लॉयन है।
अरे क्या कर रहा है प्रदेश? वाह वाह क्यों कर रहा है? आउ 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 गा रहा है, याद आ गया। मैं था आई प्रदेश कूदो मत, मैं सब देखती हूँ। कूदो मत प्रदेश, मैं सब देखती है। मतलब मैम ने क्या क्या बोला था है? क्या हुआ? क्या हुआ मैम ने वो क्या क्या बोला था? वो जो बोर्ड में लिखवाया था उन्होंने बोला था मदर का अपोजिट फादर होता है, मदर का अपोजिट फादर अंकल का आंटी, अपोजिट आंटी, मदर का अपोजिट। एक मिनट, क्या बने पूरा मत? एक तो एक केक क्लास में पूजा कर देना। दो दो जगह से ज्वाइन करा, तूने दो दो जगह से ज्वाइन करा है। पूर्वांश तूने दो दो जगह से ज्वाइन करा है। मैंने करा था लेकिन हम नहीं कर। आदित्य तो बाय बाय कौन है? क्या है? अच्छी दी अच्छी तो टी चुप 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 चुप। ये रिकॉर्डिंग चालू है, मैं प्रेजेंटिंग अभी तो बोल रहा हूँ। चुप चुप चुप, मैं प्रेजेंटिंग ज्वाइन करूँ? सब चुप हो जाओ, मैम को बता देंगे। पूरा मैम को बता देना। मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, मैं दूसरी रिकॉर्डिंग चालू कर रहा। दूसरी रिकॉर्डिंग चालू नहीं होगी, अगर रोकना हो तो रोक ले, हमारा कुछ नहीं है। रिपोर्ट मुझे थोड़ी ना आता है। मैं चाउंड को पहले ही समझ गया था, तुम्हें कुछ नहीं आता है। क्या बात है? रिकॉर्डिंग हो रहा, चल रहा, माइक ऑफ कर। एम डी एफ ई पी टी वन पूर्वाज वेच आज मेरे दो जगह से ज्वाइन किया है। तूने? हाँ भले ही देख ले, नहीं करा दो तो तरफ से ज्वाइन। चल कॉल बाय। पूरा करा है, देख ले। क्या देख? ऑल माइक प्रनील का तेरे पास। बाय पूर्वान, बाय। हाय पूर्वान। हाय कत्ते, मतलब आदित्य। हाय
हाय प्र नहीं हाय पूर्वांश हाय का नहीं आदित्य हाय प्रद्युत तू प्रद्युत जरा माइक ऑन कर नहीं ये अभी क्लास क्यों अब मैम से पूछ कि कितनी देर बाद आओगी तेरे घर के पास ही है ना स्कूल हाँ हाँ तो पूछ लेना नहीं वो रीतेश के पास है रीतेश के उसके घर के पास है स्कूल बहुत पास है उससे कह दे रीतेश स्कूल में नहीं है योर मीटिंग ज्वाइन No. मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी तूने हाँ क्या गया है क्या मैम चालू गई थी रिकॉर्डिंग चालू करके मम्मी क्यू यू ई एन शांत बच्चा शांत रिकॉर्डिंग हेड्डे और पैम कब आएंगी अरे यार अरे पड़ी बंद कर प्रोजेक्शन कर कोई मुझे देख रहा है क्या देख क्या कोई अरे फ्रीज कैसे हो गए हेलो हेलो अरे क्लिप तो जाओ चुपो जाओ मैं आने वाली हूँ अभी तुम्हें चालू तो यो 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 हेलो हो गया नहीं दे रहा है कोई दो दो बार ज्वाइन करा है सॉरी आई डिडंट कैच दैट क्या हुआ प्रज्ञा ये तुम्हारे घर से क्या नॉइज आ रही है अरे वो म्यूजिक में तुम्हारा रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग कौन सी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लैपटॉप से लैपटॉप तो ये रिकॉर्डिंग रोक रहा है अच्छा पुरवान तू लैपटॉप चला रहा है
हाँ और मैं गुरुवार भी है कौन है लैपटॉप वाला मैं लैपटॉप की बात कर रहे हो हाँ दो दो तुमने कुछ खोला था ना और कोई भी नहीं है लैपटॉप क्या था वो स्क्रीन हाँ तो मैंने बंद कर दिया स्क्रीन According to Wikipedia.organization, Krishna is a major deity in Hinduism. स्क्रीन ये किसने दिया ये किसकी आवाज थी हाँ प्रद्योत की है क्या तेरा भाई कभी इतनी इंग्लिश बोल ही नहीं सकता कोई और की आवाज थी इसने किसी वाइट आज मजे आ गए कोई दो बार से ज्वाइन करा है कोई नहीं जैसे तुम्हारा कैमरा साफ नहीं आ रहा मेरा स्पाइडरमैन नहीं आई है ना मैम नहीं आई क्या आज मैम नहीं आई कृतिका तो मैं लाइक कर रही हूँ ठीक है बच्चों एक्सरसाइज बच्चों तुम मैम नहीं हो तुम मैम नहीं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन साइरा मैम मैम आप क्या बोल रही हैं साइरा मैम हमारी आवाज यस मैम मैम आप छोटी दिख रही हो मैम आप दिख नहीं रही हो मैं दिख नहीं रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता ये देख आप दिख रही हो मैम दिख रही हूँ हाँ मैम दिख रही हो दिख रहे हो ना अच्छा यस मैम मैं अब कैसे ऐसा बताऊँ देखो अब दिख रहे हैं ना हाँ मैं अभी इसको कैसे पिन करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ठीक है जो भी क्लास इसमें है देखो सेकंड क्वेश्चन में था सेकंड क्वेश्चन था अंजू माय अंकल एंड आंट ठीक है थर्ड में थर्ड आंसर
दिखाई दे रहा है अभी? दिखाई दे रहा है? नो मैम, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मैम हमारी क्लास दिखाई दे रही है। क्लास दिखाई दे रहा ना? अभी रुक जाओ, है मैं एक सेकंड इसको कैसे इसको एक सेकंड। ओके अच्छा बेटा, अभी मैं बता देती हूँ आंसर्स, नहीं तो मैं भेजती हूँ अभी व्हाट्सएप में, ठीक है? क्योंकि इसका है ना इसमें मैं मैंने नहीं कर लिया। मैम आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही है? मैम कर लिया, दूसरे क्लास में गई थी मैम, मैंने भी कर लिया क्लास में। ओके मैम मुझे भी कर लिया बेटा, जो भी कर लिए हैं अच्छी बात है, क्योंकि नेट तो बंद ही हो गया। थर्ड क्वेश्चन है द लाइन एंड द लाइनस। लाइन के साथ एनी एस एस लिखना, एल आई ओ एन टी एस एस, जो कर लिए हैं शांत बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है तो मैंने कर लिया। हाँ फोर्थ क्वेश्चन है किंग का ऑपोजिट क्यून, क्यू मैम लायन क्या था मैम? लायन का चून, चून, लायनस, 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 एल लाइन लिखो, ई एस एस लिखो, लाइन की स्पेलिंग लिखो और ई एस एस, ठीक है? और मैन का क्या है मैम? मैन का वुमन, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ एम ए एन, ठीक है? वुमन व्हाट्सएप पे भेज देना मैम, लायंस की डब्ल्यू ओ लिख देना आपके। मैम लायंस में क्या लिखना है थर्ड नंबर पे? लायनस, लायनस, लायनस स्पेलिंग मैम, लाइन लिखो और ई एस एस लिखना, सब मिलके बोलूंगा तो मुझे सुनाई देगा। मैम बोलो क्वीन की स्पेलिंग क्या होती है? क्यून की स्पेलिंग क्यू यू ई एन, क्यू यू की स्पेलिंग क्या होती है? मैन लिखोगे ना उसके आगे में डब्ल्यू ओ लिख देना, डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमेन, ठीक है? ग्रैंडफादर का मदर तो आपको मालूम है, फादर मदर, तो यहाँ पे क्यू यू ई एन, ठीक है? मैं आंसर डाल दूंगी। अच्छा इसमें से जो सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने बोला है मैं भेज दूंगी, आप ध्यान से सुनो। मैम वुमेन की क्या है? मैम वुमेन की कौन पूछ रहे हैं आप? शांत हो जाओ, मैं भेज दूंगी आपको व्हाट्सएप में, ठीक है? क्योंकि वो आप अभी 10 बार पूछते रहोगे ये हो नहीं पाएगा। यहाँ पे पेज नंबर इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाओ, मैं उसको भेज दूंगी, ठीक है ना? 136 में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ये हम फिर कल करेंगे, लेकिन इसके पीछे वाला है 138 वो कर लेते हैं, बहुत इजी है। एक आपको करके दिखाया है, नीचे में आ जाओ, एक बच्चा जल तरंग बजा रहा, उसके नीचे में कुछ वर्ड्स है, ठीक है? उसको देखो ध्यान से, ठीक, उसको देखो ध्यान से, फिर हम बात करते हैं। देख मिल गया वो जगह? हाँ यस मैम। क्या बेटा? यस मैम, यस मैम। मिल गया तो आपको क्या करना है? एक दिया 138, ठीक है 138 मिल गया। मिल गया, न्यूज और पेपर दिया हुआ है, देख लिया आपने? यस मैम। उसको हाँ
और इस साइड में आपको 1 2 3 4 5 न्यूज प्लस पेपर न्यूज पेपर वो एक वर्ड बन गया, स्कूल प्लस बैग स्कूल बैग है ना, ऐसे आपको लिखना है। टूथ पेस्ट नेकलेस नेकलेस समवन समवन, ऐसे ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ है वो कप के सामने में उसको लिखना है। ठीक है, दो कप्स बने हैं और सेकंड कप में बाथरूम बाथरूम, टाइम टेबल टाइम टेबल, फूड प्लस बॉल फुटबॉल, कार प्लस पेट कार पेट, ऐसे दो ग्रुप्स दिए हुए हैं है ना। तो हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब जो भी होगा उसमें रिकॉर्डिंग ओजस ओजस ओजस। हाँ यस मैम, पेज 138 समझ में आ गया होगा सबको। यस मैम यस मैम, सैंपल दिया। ओके मैम। हाँ यस मैम। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज, वी विल डू शांति पाठ, यू हैव टू अटेंड अदर क्लास आल्सो। सो ओम शांति शांति शांति। ओके बाय मैम, बाय बाय मैम, बाय मैम। ओके बेटा, बाय मैम, बाय बेटा। साईराम मैम, साईराम साईराम मैम, बाय मैम। साईराम बेटा, साईराम मैम, बाय मैम। साईराम बाय। कौन सी